हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं कोई भी डिजाइन का सिंपल आप एक्शन का कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी डिजाइन में आप और वन क्लिक में कोई सोल्यूशन चाहते हैं, वन क्लिक में कोई भी काम करवाना चाहते हैं फोटोशॉप से, तो आपको एक्शन का यूजेस करना बहुत ही जरूरी है। एक्शन एक बहुत ही एक अलग लेवल का एडवांस लेवल का काम है। अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में है तो आपको एक्शन का जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना वर्क फ्लो को बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। जो कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स आया हुआ है, जिसमें हम डिजिटल डिजाइनिंग का एक पूरा एक कोर्स बंडल लाया हुआ था आप लोगों के लिए, उसमें हम वर्क का जो फॉर्मूला, उसमें एक्शन पर मैं और भी डिटेल में बताया गया, बट उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में आपको बताया था एंड पिछले से पिछले वीडियो में आपको बताया था वन क्लिक में कैसे आप एक सिंपल रिपीट क्रिएट कर सकते हैं, वन क्लिक में पूरा एक आपका डिजाइन का पैटर्न आप कैसे बना सकते हैं। एंड इसका पिछले वीडियो में एंड जिसमें आपको कैलिडोस्कोप का पूरा रिपीट हमने बना के दिखाया था कि कैलिडोस्कोप का रिपीट बना के आप सिंपल कोई भी सर्टिन कर्डन आप कैसे बना सकते हैं एंड ऑल ओवर गार्मेंट कर्डन आप कैसे बना सकते हैं एंड उसका जो पूरा फॉर्मूला है, जो पूरा प्रोसेस है, उसी को अगर हम एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हमारा काम ईजी हो जाएगा, वही प्रोसेस को आप सीखेंगे। तो एक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा एंड जो बिगिनर है उनके शायद उतना हेल्प नहीं होगा, बिकॉज ये शायद बिगिनर के लिए उतना नहीं है, बिकॉज एक्शन का जो काम है वो फोटोशॉप का थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिगिनिंग लेवल से सिखाए, ताकि जो बिगिनर है वो भी सीख पाए, समझ पाए। अगर आप सिंपल कोई भी मोटिव को लेकर एक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली कोई भी डिजाइन में एक्शन के द्वारा वन क्लिक में आप एक कैलिडोस्कोप का रिपीट आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो जाए। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ गाइस इस टाइप का जो इम्पोर्टेंट डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग के रिलेटेड मैंने जो वीडियो लाता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ डिजाइनर, वो सब जानना, तो वही वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप का तो एक्शन का जो बिगिनिंग लेवल का वीडियो, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, मैं आपको एक्शन का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं एक्शन में कैसे आप काम कर सकते हैं। तो एक्शन का जो बहुत सारे यूजेस भी अलग अलग आते हैं, कोई भी काम को हम बेसिकली जो फोटोशॉप को वर्क प्रोसेस उसको हमारा शॉर्ट में करने के लिए एक्शन को यूज करते हैं एंड जो एडवांस लेवल का डिजाइनर होते हैं उनके लिए एक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर डिजाइन को, कैलिडोस्कोप का रिपीट को जो बनाते हैं, उस प्रोसेस को आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ जाए। एंड एक्शन का अलग अलग बहुत यूजेस आते हैं, तो हो सकता है कि आप दूसरा कोई डिजाइनिंग कंसेप्ट में आप एक्शन अप्लाई करने जाते आपको प्रॉब्लम हो, बिकॉज एक्शन बहुत सारा अलग अलग टर्म एंड कंडीशन आते हैं, उस एक्शन को टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से एक्शन को अपना वर्क फ्लो में ला पाएंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए, कैलिडोस्कोप को रिपीट के लिए ये जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अपने पीछे में चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा इस कैलिडोस्कोप का रिपीट का एक्शन आप कैसे बना पाएंगे, जस्ट वन क्लिक में कैसे आप कोई भी सीमलेस पैटर्न आप क्रिएट कर पाएंगे, वो प्रोसेस आपको बताने का कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका आगे का जर्नी के लिए, डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग के लिए। ओके, चलिए अपने फोटोशॉप में चलते हैं। शॉप अपने पीछे में आपको दिख रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इस टाइप का कैलिडोस्कोप रिपीट कैसे आपको क्रिएट करना है, मैनुअल प्रोसेस आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आपको इस टाइप का रिपीट आपको क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप का सिंपल आप डिजाइन इजीली बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ कि एक्शन कैसे आपको क्रिएट कर पाएंगे, जैसे मैं आपको इसका पिछले से पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप एक्शन को वन क्लिक में इस टाइप का डिजाइन बना सकते हैं जस्ट आपको चुटकियों में। ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं आपको फिर से एक बार करके भी दिखा दूँ, शायद आपको याद आ जाए, मैं जस्ट आपको दिखा दूँ। जैसे लेट्स सपोज ये वाला डिजाइन को ओपन करते थे एंड जस्ट मैं इसको एक बार विंडोज में जाते हैं, एलिमेंट्स में जाके वॉल टैब ओपन कर लेते हैं एंड जस्ट वन क्लिक करूंगा, देखिए पूरा डिजाइन का वन क्लिक में आप सेम टाइप का कैलिडोस्कोप रिपीट आपको तैयार हो जाएगा। एंड इसमें बहुत सारा अलग अलग टेक्निक यूज हो सकते हैं, मैंने एक पर्टिकुलर टेक्निक को यूज किया था, जिससे मैंने इसमें 60 डिग्री का एंगल यूज किया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 45 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, अलग अलग एंगल के वाइज अलग अलग डिजाइन का लुक आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 45 डिग्री एंगल यूज किया था, किसी में मैंने 75 डिग्री एंगल यूज किया था, तो टोटली अलग चीज है। एंड आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गाइस इस वीडियो से पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको शायद
उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का मेरा बेसिक उद्देश्य यही है कि आपको कैसे आपको एक्शन क्रिएट करना है एंड एक्शन का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बताना, ताकि आप वन क्लिक में स्टेप का सिंपल एक पूरा कैलेडोस्कोप रिपीट आप बना पाए। एंड जैसे मैं आपको डिस्क्लेमर में बताई दिया था कि ये एक्शन एक बहुत ज्यादा डेप्थ वाला चीज है, एक एक दिन का या तो एक छोटा सा वीडियो में आपको वो शायद टोटल नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको मैं समझा पाऊँ, ताकि आप इस वाला पर्टिकुलर एक्शन आप इजिली क्रिएट कर पाए, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर हम इस वाला पर्टिकुलर डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो हमें एक्शन कैसे बनाना है, पहले एक्शन का जो बेसिक चीज है वो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। लेट्स सपोज इफ 9 दबाता है एक्शन में, देखिए यहाँ पे मेरा एक एक्शन क्रिएट करके रखा हुआ, वही एक्शन प्ले हो रहा था, ठीक है। तो इसमें एक्शन में क्या होता है, अलग अलग टाइप का हमें एक्शन बनाना पड़ता है। जैसे मैं आपको डेमो वाला पिछले वीडियो में बताया डेमो का एक एक्शन का, तो डेमो में क्रिएट कर लेते हैं। सो एक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक्शन के लिए पहले आपको यहाँ पे कोई एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर न्यू एक्शन कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम न्यू फोल्डर या न्यू एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू एक्शन का एक ऑप्शन आता है, जैसे हमें न्यू फोल्डर लेना है तो यहाँ पे हम न्यू फोल्डर ले सकते हैं, सेट वन आता है डेमो, अलग अलग फोल्डर हम ले सकते हैं। एक्शन में जाकर आप यहाँ पे न्यू एक्शन ले सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे डेमो वाला फोल्डर में एक्शन क्रिएट करना है कि डेमो हम कैलकुलेटर रिपीट हम बनाना चाहते हैं, वन क्लिक रिपीट वन क्लिक रिकॉर्ड बटन चालू हो गया, बट अभी हमें रिकॉर्ड नहीं, अब हम जो भी स्टेप ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ऑन किया बन गया, जो भी हम सेव करेंगे बेसिकली जो भी हम फोटोशॉप का स्टेप करेंगे वो सारा स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएगा, बट अभी हमें जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें स्टॉप करना है, देन अभी जो भी है उसको बंद कर देगा, ओके। तो अभी हमारा क्या काम रहेगा, ये तो हमने नाम क्रिएट कर लिया, मतलब फाइल क्रिएट कर लिया, उसका हमें काम बाकी है, अभी पूरा रिकॉर्ड करना बाकी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रिवर्ट कर लेंगे, रिवर्ट करने के लिए F12 दबाएंगे तो जो इमेज का पहला पोजीशन था वो यहाँ पे पहला पोजीशन आ गया। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसका मेन प्रोसेस, मैनुअल प्रोसेस को, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पहले हमें काम जो करना पड़ता है उसके, हमें जस्ट इसको लेयर को जीरो करना पड़ता है, अगर नॉर्मल बैकग्राउंड लेयर रहता है वो हम अपने मैनुअली रखते हैं, मैनुअल करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज शायद हो सकता है कि वो हर एक लेयर में अगर बैकग्राउंड लेयर नहीं रहेगा तो वो एक्शन प्ले होने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने इसको बैकग्राउंड ऑन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका जो रिकॉर्ड वाला बटन है उसको हम दबा देंगे। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो रिकॉर्ड वाला जो बटन आता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकॉर्ड वाला बटन, उस रिकॉर्ड वाला बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा, ओके, आपको दिख रहा होगा रेड वाला बटन। एंड उसके बाद आपको जब भी रिकॉर्ड वाला बटन चालू हो जाए, सर हमारा काम रहेगा हम इसी प्रोसेस को सिंपली स्टेप बाय स्टेप करें एंड यहाँ पे रिकॉर्ड करने चालू करें, एंड अगर कोई भी स्टेप हमारा गलत हो तो उसका मैनुअली डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या सीखा था, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, तो जस्ट हम इसको कंट्रोल टी दबाते हैं एंड इसको हम अपने हिसाब से, जैसे हमें 60 डिग्री में रोटेट करना, लेट्स सपोज 60 डिग्री में हमें रोटेट करना, तो देखिए हम यहाँ पे रोटेट कर दिया, ये वाला इसको हम एक बार यहाँ पे साइड में रखते हैं, अदरवाइज शायद आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ये प्रोसेस आपको देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको भी मैं आप पर बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, पहले ये वाला सब बंद कर देता हूँ, एक काम करते अदरवाइज इसको हम एक बार 60 डिग्री तो घुमाई जाए, ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, तो बाकी जितना भी एक्शन है ना एक बार सब मैं बंद कर देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज में फोकस हो, अदरवाइज शायद आप इजिली समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं बाकी सब एक बार बंद करता हूँ। मतलब जितना भी एक्शन देखिए, आपको एक्शन में बहुत मैंने एक्शन बनाया हुआ है, तो एक्शन का बहुत ज़्यादा काम भी आता है, तो उसका बहुत सारा अलग अलग टॉपिक भी है, बट वो अभी आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तो एक्शन का हम यहाँ पे रखते हैं। अब तो हम एक स्टेप कर लिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंट्रोल टी एंड इसको हम जस्ट जहाँ पे घुमाना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। एंड ये जो भी प्रोसेस है इसको अगर आप चाहे तो मैनुअल करेंगे तो इसके लिए इजी पड़ेगा, बट हम एक पर्टिकुलर डिजाइन के लिए अगर हम इसको पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस हो सकता है। जैसे इसको हमने इस प्रोसेस में हमने यहाँ पे एंगल वाइज रख लिया, या तो हम इसको 180 डिग्री में घुमा लेते, देन इसको हम यहाँ पे अपने हिसाब से रख लिया, जैसे हमें ये वाला पोर्शन सही लग रहा है, ओके। सो ये वाला पोर्शन हमने रख लिया, अब इसको हम एंटर करते हैं, देखिए एंटर करने के बाद ही क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब फिर से वो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये भी रिकॉर्ड हो गया। कंट्रोल दबा के हमने इसको अल्ट्रा आईपी करके क्रॉप कर लिया, फिर कंट्रोल फिर अल्ट्रा आईपी करके हमने क्रॉप कर लिया। अब जितना भी प्रोसेसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब प्रोसेस रिकॉर्ड हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है, एंड जो भी गलत होगा मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको सही करना रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया, कंट्रोल सी दबाएंगे, कैनवस साइज को हम बढ़ाएंगे, कैनवस साइज कैसे आपको बढ़ाना है, इसका कम से कम 10x ज्यादा होना चाहिए, मतलब 10 गुना ज्यादा होना चाहिए,
तो इसको हम 50 इंच एक बार ले लेते हैं, एंड इसको भी हम 60 इंच या 70 इंच एक बार ले लेते हैं, ताकि जस्ट कैनवस से थोड़ा सा बड़ा रहे, ताकि हमें समझ में ज्यादा आए। इसको बड़ा कर लिए, अब हमारा क्या काम रहेगा, जस्ट इसको हम कंट्रोल जे दबाएंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, एंड इसको हम जस्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे राइट में, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म कर लिए, एंड देन कंट्रोल ई दबाएंगे, मर्ज कर लेंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे, देन हम क्या करेंगे 180 डिग्री में घुमाएंगे इसको, जस्ट हम यहाँ पे प्लेस करना है नोट को, देन हम यहाँ पे 180 डिग्री में घुमा दिया। 180 डिग्री में जब भी घुमाए तो क्या हुआ, इसका टोटल रोटेट हो गया। अभी हमें देखिए सब रिकॉर्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली, मर्ज कर लिया हमने, कंट्रोल जे दबाया, फिर हम क्या किया 60 डिग्री में घुमाया, ठीक है, कंट्रोल जे किया 60 डिग्री में इसको घुमा लिया, एंड 60 डिग्री घुमाने के बाद ही देखिए यहाँ पे पूरा आपका टोटल पोर्शन रिकॉर्ड हो गया, 60 डिग्री में घूम गया। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर पे आएंगे, लेयर जीरो में कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, -60 डिग्री करेंगे, -60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, कई बार ऐसा गलती हो जाता है, आप भी ना करें, एंड गलती होता तो मैं हर बार सोचता हूँ कि अच्छा ही होता है कि आप एक गलती ना करें, शायद मेरे से गलती हो रहा है तो आपको देखकर समझ आ जाएगा। रोटेशन में जाके आपको -60 डिग्री करना है, ओके। सो आपको टोटल सर्कल यहाँ पे, टोटल यहाँ पे राउंड हो गया, टोटली जितना भी पोर्शन था, देन हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई दबा लेंगे, जितने भी हमारा विजिबल लेयर है वो मर्ज हो जाए। देन अगर हम चाहे जैसे इसको जूम करने को, देखिए आप हल्का सा पिक्सलेट दिखता है, जो आप पिछले वीडियो में बताया था, इस टाइप का कभी भी हो जाता है जब आप उसको रोटेट करें तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, जस्ट कंट्रोल जे दबा के 180 डिग्री में इसको हम घुमा सकते हैं, ताकि ये जो पिक्सल है वो थोड़ा सा कवर अप हो सकते हैं, इस तरीके से ये प्रोसेस भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, ओके। देखिए अभी बहुत ज्यादा ढक गया है, कोई पिक्सल उतना नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का लाइन है वो हम इजिली हटा सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको मर्ज कर लेते, कंट्रोल जे कंट्रोल टी दबाते, एंड फिर से हम इसको 90 डिग्री में, सॉरी 60 डिग्री के बाद हम क्या करना था 120 डिग्री घुमाना था, 120 घुमा लिया, ओके। देन हम नीचे वाले लेयर में गए, देन हम इसको कंट्रोल जे, एंड यहाँ पे हम नोड पॉइंट रख लेते, सॉरी नोड पॉइंट हम यहाँ पे रख लेते, एंड -120 डिग्री, ओके। तो टोटल आपका यहाँ पे रिपीट एक बार क्रिएट हो गया, एंड देन रिपीट एक बार क्रिएट होने के बाद सेम आपको क्या करना रहेगा, जो भी यहाँ पे हल्का सा नोड पॉइंट आ रहा है उसको हमें 180 डिग्री में घुमा के, या तो हम दूसरा कुछ एंगल में घुमा के चांस ले सकते हैं, जितना भी लेयर है सबको एक बार मर्ज कर लिया, एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना मतलब इसको पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर लेना पड़ेगा, ताकि हमें इसका एक पोर्शन को हम रिपीट निकाल के ला पाए। रिपीट निकालने के टाइम आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, आप पर्टिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट ले सकते हैं, बिकॉज हमें मिरर रिपीट ही मारना पड़ता है, मतलब हमें मिरर ही करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट मार सकते, उसका एक अलग कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रिपीट हम ले सकते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल रिपीट है वो भी हम ले सकते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लेते हैं, एंड हम अगर चाहते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो भी हम ले सकते हैं, बिकॉज वो भी हम एक मार्केट टूल लेके बना सकते हैं, अदरवाइज हम जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो भी टोटल हम पोर्शन को सिलेक्शन कर सकते हैं, एंड एक बार आपको जब सिलेक्शन हो जाए लेने के बाद आपको उसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, उसको अगर बड़ा करना हो छोटा करना हो, तो हम राइट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आते हैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, देन आपको यहाँ पे फिर से सिलेक्शन को आप ट्रांसफॉर्म करके अप डाउन कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोसेस है, ओके। तो जस्ट मुझे चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस मुझे जितना पोर्शन मुझे चाहिए उतना अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लेता हूँ, ओके। एंड कट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी पोर्शन आपको देख लेना, यहाँ से आपको जितना पोर्शन चाहिए कट करने के बाद एंटर अल्टर आईपी, ओके। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को हमें कैनवस साइज बड़ा करके इसको बड़ा करना पड़ेगा, कंट्रोल जे कैनवस साइज बड़ा करना है, पोर्शन देना है इसको 200x200 करना है, एकदम कॉर्नर में आपको रखना है इसको, जो विंडोज ये वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, इसको आपको कॉर्नर में रखना है, ओके। यहाँ पे मिडिल पोर्शन में ऑलवेज रहता है, बट हमें कॉर्नर में रखना है जो एंटर पॉइंट है, ताकि इसका पोर्शन जो है यहाँ से लेके शुरू होकर पूरा यहाँ तक जाए, गेट इट। देन हम क्या करना पड़ेगा, एंड देन हमें परसेंटेज में हमने बढ़ा लिया इसको, सेम इसको छोटा करेंगे, जस्ट इसको हम यहाँ पे रखेंगे, एंड इसको हम जस्ट वर्टिकली घुमाएंगे, मर्ज करेंगे, कंट्रोल जे, एंड इसको पर्टिकुलर पोर्शन को हम हॉरिजॉन्टली घुमा लेते हैं, एंड ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज और एक प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस शायद हर एक डिजाइन के लिए काम नहीं आएगा, तो उसका दूसरा एक प्रोसेस हम कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक बार बंद करते हैं, बंद करने के बाद हमने यहाँ पे जितना भी ट्रांसफॉर्म किया था, जो भी कॉपी कर कैनवस साइज के बाद जो भी हमने किया था वो पोर्शन को हम डिलीट करना चाहते हैं, टोटल पोर्शन को सिलेक्शन किया, डिलीट कर दिया, ताकि ये पोर्शन को जरूरत नहीं पड़े, उसको हम जस्ट कंट्रोल जेड करके बैक चले जाते हैं, एंड कैनवस साइज हम बढ़ा लेते हैं, कैनवस साइज के बाद वाला पोर्शन हमें करना है,
कैनवास साइज बढ़ाने के बाद फिर से हम रिकॉर्ड बटन चला के बाद चालू कर दिया, देन हम क्या करेंगे कंट्रोल ए अल्टर ई एन वी, तो ये वर्टिकल में चला गया, ठीक है, जो पोर्शन हमारा कॉपी किया हुआ था वो पोर्शन वर्टिकल में चला गया, देन कंट्रोल ई मर्ज, कंट्रोल ए कंट्रोल जे कंट्रोल ई देन कंट्रोल ए देन अल्टर ई एन एच। अब इसका क्या हुआ वो आपको पहले समझना थोड़ा सा जरूरी है, वो आपको मैं एक्शन बंद करके दिखा देता हूँ। जस्ट लेट सपोज हम ये पोर्शन को अगर वर्टिकली मूव करना चाहते तो हम क्या करते, जस्ट हम इसको सिलेक्शन करते, सिलेक्शन करने के बाद अल्टर सिलेक्शन करने के बाद इसका पोर्शन में भूल ही जाता हूँ, मॉडिफाई नहीं, अच्छा सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ता है, भूल ही जाता है, एक्चुअल में शॉर्टकट यूज करते करते इतना आदत पड़ जाता है कि इसका जो मेन प्रोसेस है वो भूल जाते हैं, ठीक है। जस्ट हम शॉर्टकट में जाएंगे तो फिर पता चल जाए अल्टर ई ए ए मतलब हुआ ए वाला ऑप्शन, अल्टर ई ए टी करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एडिट में जाएंगे, हाँ तो एक लेयर पहले सिलेक्ट करना पड़ता है अल्टर ई एंड देन टी में जाएंगे ट्रांसफॉर्म, आ गया अल्टर ई एंड टी में जाएंगे ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे जाके हम अगर वर्टिकल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन वो मूव हो जाता है वर्टिकली, सिंपल प्रोसेस है। देन मर्ज करते हैं कंट्रोल ए फिर से सिलेक्शन लेते हैं एंड देन हम कंट्रोल जे देन कंट्रोल ए फिर से सिलेक्शन लेते हैं अल्टर ई एंड ट्रांसफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल, देन अब ये पर्टिकुलर पोर्शन है हॉरिजॉन्टली मूव हो जाता है, ये प्रोसेस को आपको जस्ट एक्शन में रिकॉर्ड कर लेना रहेगा। देन इसको मर्ज कर लिए जितने भी पोर्शन थे उसको हम एक बार मर्ज कर लेना पड़ेगा, रिकॉर्ड बटन दबाते हैं मर्ज कर लेते हैं, ओके। सो ये पोर्शन को सेम हम अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम अगर रिकॉर्ड बटन को बंद करते हैं एंड देन यही पोर्शन को जैसे यहाँ पे देखिए कैनवस साइज के बाद हमने क्या किया था, टोटल पोर्शन को जस्ट फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया था, उस टोटल पोर्शन को जस्ट सिलेक्शन करते जस्ट कॉपी करके नीचे डाल देते हैं, ओके। अब टोटल जितना भी हमने पोर्शन किया था वो टोटल पोर्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, जस्ट हमारे साथ F2 दबा के F12 दबा के एंड इसको अगर हम बैकग्राउंड को ऑफ करके देन हम अगर जस्ट इसको एक्शन को प्ले कर देंगे तो देखिए जस्ट आपको वन क्लिक में इसका एक्शन को प्ले करेंगे टोटल पोर्शन जितना भी पोर्शन आपने काम किया है वो सब एक झटके में हो जाएगा एंड टोटल पोर्शन का आपका टोटल पोर्शन है पूरा काम हो जाएगा, देखिए टोटल रिपीट आपका यहाँ पे आ गया, आपको समझ आ रहा होगा टोटल रिपीट इस तरीके से बहुत इजिली बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा और एक काम कर सकते हैं, इसका और एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमने इसका कैनवस साइज बढ़ाया था वो कैनवस साइज हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे मर्ज लेयर के बाद हम यहाँ पे कैनवस साइज रख सकते हैं, ये हमने गलती कर दिया था, एक्चुअल में क्या हुआ था हमने इसको तो कॉपी किया था बस कैनवस साइज को कॉपी नहीं किया था, फिर से एक बार करके दिखा था F12 दबा के देन इसको हम यहाँ पे डालेंगे एंड अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको हम F12 दबाने के बाद आपको जस्ट प्ले बटन को प्ले कर देना है एक्शन का पहला ऑप्शन में जाके एंड इजिली आपका जो प्रोसेस आपने जो जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया वो सब प्रोसेस यहाँ पे देखिए फॉलो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो हो रहा है, इजिली आपका पूरा काम इजिली हो जा रहा है, गेट इट। एंड इसको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एंड यहाँ पे शायद कुछ टेक्निकल एरर आया है, एक्चुअल में जो है ना यहाँ पे एक सिंगल रिपीट हुआ, यहाँ पे जो लास्ट हमने रिपीट को कॉपी किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया होगा, सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बट डोंट वरी, आपने मिरर रिपीट के बारे में तो आपने जानते ही होंगे, तो मिरर रिपीट हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ओके रहेगा, जस्ट हमें एक बार पूरा मर्ज लेयर आ जाए तो हमारा पूरा काम आधा हो जाता है, उसके बाद हम इजीली पूरा जस्ट कर सकते हैं, जस्ट हम इसको लेयर को बटन दबाते हैं एंड सेम एक्शन को आपको फॉलो करना रहेगा, जस्ट आपको जो जो स्टेप मैंने आपको बताया इजीली वही स्टेप को आपको फॉलो करते रहना है, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना रहेगा जो कि एक्शन में रिकॉर्ड ना हो, जो भी प्रोसेस आपको बताया बहुत इजी प्रोसेस है, आपको पर्टिकुलर लेयर वाइज आपको काम करना रहेगा एंड वही लेयर को आपको रिकॉर्ड करना रहेगा एंड इसमें आप बहुत सारा एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा आप एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल सकते हैं एंड अलग अलग डिजाइन के लिए डेफिनेटली आपको अलग अलग टाइप का कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा हमें इसमें मैनुअल सेटिंग अगर करने जाए थोड़ा सा और डीपर लेवल में थोड़ा सा और एडवांस जाना पड़ता है, बट वो आपके लिए उतना भी जरूरी नहीं है। इनिशियली आप पर्टिकुलर कोई भी एक साइज या तो कोई भी एक रेजोल्यूशन के लिए अगर आप इस टाइप का एक्शन क्रिएट करके रखें देन आप अगर उसको एक्शन को प्ले करना रहेगा तो आप इजिली उसी एक्शन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही एक सिंपल कोई भी एक डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा डिजाइन का ये पूरा एक्शन खत्म नहीं हो जाता, लेट सपोज अगर हमें इस टाइप का कोई भी एक इमेज लेना हो, जैसे लेट सपोज हमें इस टाइप का कोई भी इमेज लेना हो एंड उसमें अगर सेम एक्शन अगर प्ले करेंगे तो डेफिनेटली देखिए इसमें रिजल्ट अलग ही आएगा, इसमें वो रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको जस्ट प्ले करके दिखा देता हूँ, इसको हम
ऑफ करते हैं, देन इसको हम प्ले करते, देखिए इसमें वो रिजल्ट आएगा नहीं। उसका रीजन क्या है, उस इमेज का रेजोल्यूशन, उस इमेज का जो साइज है वो अलग था, इस इमेज का रेजोल्यूशन, इस इमेज का जो साइज है वो अलग है, दैट्स व्हाई इसका रिजल्ट टोटली अलग आएगा। प्रोसेस पूरा फॉलो करेगा, बट उसमें कहीं ना कहीं शायद हो सकता है रिपीट में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि कहीं पर वाइट गैप आ जाए, हो सकता है कुछ अलग ही रिजल्ट आ जाए, बट वो रिजल्ट सेम आएगा। देखिए इसमें कुछ अलग ही रिजल्ट आ गया, बिकॉज उसका रीजन क्या है, जो प्रोसेस हमने उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए किया था, जो डिजाइन हमारा यहाँ पे था, उसमें एक अलग साइज था, उसमें एक अलग मेजरमेंट था, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने वो पूरा डिजाइन को बनाया था, ठीक है, ये वाला डिजाइन को बनाया था। बट अगर हम पर्टिकुलरली दूसरा कोई मोटिव लेके उसमें हम सेम बनाना चाहें, तो हमें कुछ कुछ पोर्शन में हमें इसका मैनुअल ऑप्शन रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको इसको F12 करके दिखा देता हूँ, पहले एकदम बिगिनिंग लेवल में जाके, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे सेट सिलेक्शन किया था, जो कि हमने ट्रांसफॉर्म किया था कोई भी एक मोटिव को, उस ट्रांसफॉर्म का मीनिंग हुआ कि हम पर्टिकुलर मोटिव को जैसे कि कंट्रोल टी दबा के, जो कि हम 90 डिग्री या 60 डिग्री घुमा के जो ये वाला पोर्शन करें, जो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है, इसको हम मैनुअली रखना पड़ेगा ताकि हम इसको एडिट कर पाए, एक्शन चलने के टाइम हम इसको एडिट कर पाए। वो कैसे कर पाएंगे, जस्ट लेट सपोज मुझे लग रहा है कि ये पोर्शन को थोड़ा सा मैं कट कर दूं तो और बेटर लुक आएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जाके आपको जस्ट यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन को क्लिक कर देना रहेगा, सिंपल ऑप्शन को एक क्लिक कर देना रहेगा। अब क्या होगा, अब जब भी आप एक्शन प्ले करेंगे, देखिए एक्शन प्ले कर देंगे तो आपको वहां पे जाके वो रुक जाएगा। रुक गया मतलब क्या, आपको बता रहा है कि आपको क्या चाहिए, एंड देन आप इसको एक्शन को जस्ट ट्रैक करके यहाँ पे डालिए, एंटर दबाना, जस्ट आपको और कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एंटर दबाना है, एंड यहाँ पे जाके जस्ट आपको एंटर दबाना है, फिर से पूरा एक्शन चालू हो जाएगा। अब और एक जगह पे आपको एक्शन रुकना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, उसमें हम जब सिलेक्शन लेके पूरा काम करते वो पोर्शन अटक जाता है। जैसे मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, जैसे देखिए ये टोटल पोर्शन में बहुत ही इजीली काम हो गया, देखिए पूरा इसका एक्शन, पूरा इसका रिपीट टोटल जितना भी हम चाहते, सॉरी हाँ टोटल जितना भी हमने एक्शन चाहते, जो भी हमने प्रोसेस को फॉलो किया था वो पूरा प्रोसेस वो फॉलो कर लिया, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया जैसे आपको करना है। सो आप पर्टिकुलरली कोई भी एक जगह पे अगर आप ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दे देंगे तो आपको वो मैनुअल प्रोसेस का ऑप्शन दे देगा कि हम यहाँ पे एडिट कर लो, एंड बाकी कोई भी डिजाइन आप इस टाइप का कोई भी डिजाइन ले, जैसे कि ये वाला डिजाइन मैंने लिया, तो आप दूसरा कोई भी एक इमेज ले सकते हैं, इस टाइप का कोई भी इमेज एक ले लिया, ठीक है, उसमें भी आप सेम तरीके से जस्ट उसको घुमा लिया, एंड यहाँ पे जस्ट आपको प्ले करना रहेगा पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म को, एंड देन आप इजीली इसको जो भी पोर्शन आप देना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं, जैसे मुझे लग रहा है ये पोर्शन सही है, ठीक है, एंड देन आप इसको एंटर कर दीजिए। टोटल आपने जो भी प्रोसेस को फॉलो किया वही सेम प्रोसेस को फॉलो करके पूरा डिजाइन को ट्रांसफॉर्म करके पूरा उसमें रिपीट डाल के पूरा आपको एक सिंपल कैलिडोस्कोप का डिजाइन बना देगा। एक बहुत ही इजीएस्ट, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एंड इसमें आपको डेफिनेटली मैंने बताया दिया आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री अलग अलग टाइप का रिपीट आपको लेके देखना पड़ेगा, कौन सा डिजाइन के लिए कौन सा लुक अच्छा है वो आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपीट पूरा एक्शन बनाना पड़ेगा। एंड इसमें और भी डेप्थ में हम जरूर जा सकते हैं, हम एक ही एक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल का ऑप्शन दे सकते हैं, बट वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा। इनिशियली आपको जो भी बताया, आई डोंट नो आप कितना सीख पाएंगे, कितना कर पाएंगे, बट मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, टोटल प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, जस्ट मैंने बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल वे पे बताने का कोशिश किया, इस प्रोसेस को फॉलो करके सिंपली आप वन क्लिक का रिपीट का ऑप्शन आप बना सकते हैं। इस ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो कोई भी डिजाइन में आप सिंपली एक कैलिडोस्कोप पर रिपीट देके बहुत इजीली आप अपना सर्टेन के लिए पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीएस्ट वे पे। ओके, सो आई होप गाइस पूरा वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझाने का कोशिश किया, जो कि एक एक्शन के द्वारा कैसे आप एक सिंपल कैलिडोस्कोप का रिपीट बना सकते हैं, जिसमें आपको बहुत इजीली एक सर्टेन डिजाइन आप बना पाएंगे, एंड इस प्रोसेस में शायद आपको एक्शन का जो बेसिक रूल्स है, जो एक्शन का बेसिक फॉर्मूला है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, एंड जैसे मैं आपको डिस्क्लेमर में बताई दिया था गाइस कि एक्शन कोई नॉर्मल चीज नहीं है, फोटोशॉप का एक एडवांस लेवल का चीज है, उसको यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको सेंसिबल होना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज एक्शन प्ले नहीं होगा, कहीं भी एरर आ सकते हैं। तो एक्शन को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। देखा जाए तो फोटोशॉप का जो हमने जो यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए वो एक बोला जाता है आइसबर्ग है। आइसबर्ग मतलब आइस का जो छोटा सा पोर्शन जो पानी के ऊपर रहता है वो पोर्शन हम यूज करते देखा जाए तो, एंड उसका बहुत सारा डेप पॉइंट है जो हमें शायद जानते नहीं, बहुत सारे बिगिनर जो थे जो कि ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में उनको भी शायद उतना नॉलेज नहीं है, तो फोटोशॉप का बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि हम डिजाइन बहुत ईजी बना पाए। एंड आप लोगों के लिए हमने एक पूरा ऑनलाइन कोर्स ऑर्गेनाइज किया है ताकि आपको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, एंड उसका ही हम रेगुलरली हर वीकली लाइव वर्कशॉप करते हैं ताकि आप लोगों को समझा पाओ कि हमारा क्या डिजाइनिंग फील्ड में है, कैसे आप डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्या
पॉसिबिलिटीज है, कैसे आपको ग्रोथ करना है, क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, उसी का हम वर्कशॉप करते हैं रेगुलरली। वीकली हमने अभी चालू किया है जूम कॉल में, तो उसी का रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आज की तारीख में संडे को 7:30 में, जो कि हम संडे को ही रखा हुआ है, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उसका आप क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारा लाइव वर्कशॉप में आ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे आप डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, क्या प्रोसेस है, एंड जैसे मैं आपको एक्शन कर रहा हूँ बताया थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज है, तो ऐसे वर्क फ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं, वर्क फास्ट का फॉर्मूला हम देते हैं, मोटिवेशन पर हम बताते हैं, डिजाइनिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलरेडी डिजाइनर है उनके लिए भी शायद सपोर्टिव हो सकता है, बिकॉज हमने एक 1-to-1 कोचिंग सिस्टम रखा हुआ है, ताकि आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन कर पाए, 1-to-1 एक कोचिंग सिस्टम रखा हुआ है, आप और हम रहेंगे, जिसमें आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहेगा उसको मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, एंड अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अपॉर्चुनिटी मैं आपको बोलूंगा, इसलिए क्योंकि एक इंस्टीट्यूट से सीखने जाएंगे उसमें जो कॉस्टिंग आएगा, उसका जो आपका घर से निकल के पूरा सीखना पड़ेगा, आपको वर्क फ्रॉम लर्निंग का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसमें आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स के द्वारा आपको जस्ट लर्निंग किया जाएगा, उसमें आपको टोटली मैं सपोर्ट करना चाहूंगा डिजिटल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने के लिए, एंड ऑलमोस्ट फ्री है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑलमोस्ट फ्री में आपको पूरा कोर्स करिकुलम मिल जाएगा, जिसमें आपको डिजिटल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है, बिकॉज मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, मेरा जो यूट्यूब में आने का उद्देश्य एक है, ताकि आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ, अभी का टाइम आपको दिखाना चाहूंगा, आपने शायद नोटिस किया कि नहीं, अभी दिख रहा है आपको 12:27 बज रहा है, तो इस टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक ही रीजन है, ताकि आप लोगों को सपोर्ट कर पाओ, आपको हेल्प कर पाओ डिजिटल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ही टाइट चलता है, मेरा बहुत सारा काम रहता है, फ्रीलांसिंग का काम रहता है, मेरा 3 जॉब चलता है, तो बहुत सारा टाइम शेड्यूल पैक रहता है, इस सिचुएशन में अगर आपके लिए मैं पर्सनल टाइम लेके एक कोर्स बनाऊ, या तो पर्सनल टाइम लेके अगर आपको एक पर्सनल कोचिंग दूं, तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल तो होगा, आपको थोड़ा सा पे तो करना ही पड़ेगा, बट मैंने कोशिश किया जितना लोएस्ट कॉस्ट में आपको कुछ सपोर्ट करने के लिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको वैल्यू देने के लिए, तो इसीलिए हमने पूरा लाइव वर्कशॉप रखा, ताकि आप लोगों को और टचअप कर पाए, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो टोटल वर्कशॉप तो फ्री है, लाइव वर्कशॉप जो होगा टोटल क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे पाऊँ, आपका जो भी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ, एंड उसके रिलेटेड मैंने पूरा एक लाइव वर्कशॉप में आपको आना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, एंड हमारे साथ अटेंड करना रहेगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको कोशिश करूंगा लाइव आंसर देने के लिए, मैं बहुत ही थैंकफुल रहूंगा अगर आपके साथ में लाइव बात कर आपका क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाए, आपको मैं जस्ट सॉल्यूशन कोई भी दे पाए, ओके, सो मिलते हैं लाइव सेशन में, अगर आप हमारा लाइव सेशन में आना चाहते हैं जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एंड हमारा लाइव वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टोटल एंटायर वीडियो, एंड आई थिंक आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ नया इंस्पिरेशन मिला है डिजिटल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप किसी भी दोस्त को अगर हेल्प मिले जिनको डिजिटल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है, जिनको डिजिटल इंजीनियरिंग में आगे आना है, इसमें बहुत अच्छा एक फ्यूचर है, आप इसमें से बहुत अच्छा एक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, सो उनको शेयर जरूर करिए, ताकि उनको हेल्प हो डिजिटल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ पाए, कुछ नया टेक्निक सीख पाए, अपना करियर को थोड़ा सा बूस्ट दे पाए, ओके, बिकॉज मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, so meet the next video and keep learning and be creative guys, thanks for watching.